Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi. So today we are here to discuss about the scientific management by F.W. Taylor. ठीक है, इससे पहले हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात करी थी. अब जो F.W. Taylor ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा पार्ट 7 है यूनिट 3 का. ठीक है, तो पहले पार्ट 6 देखें, 14 प्रिंसिपल. पार्ट 5 और पार्ट 6 में मैंने 14 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं हेनरी फ्योल के. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. हम इस पे सबसे पहले F.W. Taylor का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसकी उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैंने हेनरी फ्योल की भी बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में समझाया था वीडियो में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कभी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. F.W. Taylor ने कब बॉर्न लिया था, 1856 को USA में. ठीक है, हिज फुल नेम वॉज फेरेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, इनका फुल नेम क्या है, फेरेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, फुल नेम ज़रूर लर्न कर लेना क्योंकि ये सब चीज़ें पूछने वाली हैं. तो फुल नेम था फेरेडरिक विंस्लो टेलर. In 1878, he joined Midwell Steel Company as well as mechanical engineer. देखिए 1878 में उन्होंने Midwell Steel Company को join किया as a mechanical engineer. तो उससे पता लगता है कि उन्होंने जो degree ली थी वो mechanical engineering की ली थी. ठीक है, तो उन्होंने mechanical engineering में Midwell Company को join किया था 1878 में. Taylor set out scientific studies and techniques with using his engineering background. ठीक है, उन्होंने उस कंपनी में अपने साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स को यूज़ किया, सेट किया अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करके. मतलब जो उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके हिसाब से उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स वहाँ पे सेट आउट करी जहाँ पर वो वर्किंग कर रहे थे. ठीक है, ही वॉज प्रिमिलरी कंसर्न्ड अबाउट द इफ़िशियंसी ऑफ द वर्कर. सबसे पहले उन्होंने क्या कंसर्ट किया कि वर्कर्स की इफ़िशियंसी क्या है और क्या होनी चाहिए, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वर्कर्स की इफ़िशियंसी को. ठीक है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हम कैसे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बिना किसी वेस्टेज के. ठीक है, तो क्या था कि F.W. Taylor का बॉर्न कब हुआ था, 1856 में. ठीक है, कहाँ पर हुआ था, USA में हुआ था. उनका फुल नेम फेरेडरिक विंस्लो टेलर था. उन्होंने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था, और जो उनकी बैकग्राउंड था, मतलब जो उनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड था, वो उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी उन्होंने. ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को यूज़ कर साइंटिफिक स्टडी और टेक्निक्स को यूज़ करने की कोशिश की, मतलब सेट आउट किए. ठीक है, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उससे उभर सकें. एंड उन्होंने सबसे पहले किसको कंसल्ट किया, सबसे पहले उन्होंने कंसल्ट किया कि कैसे हम वर्कर्स की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करें, उनके वर्कर्स की इफ़िशियंसी के बारे में सोचा, और ये सोचा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. टेवल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड वर हैबिटेड. देखिए बोल रहे हैं कि टेवल्स प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स किस पर बेस्ड है, पहले तो ये बताए ऑब्जर्वेशन पे, बिकॉज उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देते हैं तो साइंस हमारे मेनली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है. इसी तरीके से जो टेल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, दोनों ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, और उन्होंने स्पेशली कंडक्ट करी थी उन फैक्ट्रीज पे जहाँ पर प्लानिंग बहुत कम है. ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्लानिंग्स की जाती हैं उनमें कमी है, और जो वर्किंग मेथड्स है वो हैपेजार्ड है, मतलब जहाँ पर लापरवाही से वर्किंग की जा रही है और जहाँ पर प्लानिंग की कमी है. ठीक है, ऐसी जगहों पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज्ड किया, ऑब्जर्वेशन को बेस्ड रखे. ठीक है, तो F.W. Taylor इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, F.W. Taylor को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है, क्योंकि इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया था. देखिए क्या थे मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमारा फर्स्ट है, एक मिनट, टेलर पब्लिश्ड बुक एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट. देखो टेलर ने सबसे पहले क्या किया था, बुक पब्लिश करी थी, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने अपने साइंटिफिक व्यूज़ एक्सप्लेन किए थे, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने उसमें लिखा था. ठीक है, तो क्या पब्लिश किया था, सबसे पहले उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी और रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, साइंटिफिक व्यूज़ और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में.
ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या था, हाँ, हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज पब्लिश्ड ऑफ शॉप मैनेजमेंट, ठीक है। जो सबसे पहले तो उन्होंने, ठीक है, बुक और रिसर्च पेपर किया था, बट उसके बाद जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है शॉप मैनेजमेंट और पीस रेट सिस्टम, इन दो चीज़ों पे, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इन चीज़ों की वजह से, मेनली प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो उन तीन चीज़ों में रहा है, क्या, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ही अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को किस लिए यूज़ किया, किस बेस को यूज़ करा, मतलब किस बेस को रखे उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो, उनको कैसे टैकल कर सकते हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या कहते हैं टेलर की हिस्ट्री और बैकग्राउंड, पूरी बायोग्राफी मैंने समझा दी है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट के ईच और एवरी एलिमेंट, मैनेजमेंट के हर कोने में, हर लेवल में, ठीक है, जो मैनेजमेंट के हर एलिमेंट है वहाँ पर साइंस की एप्लीकेशंस को यूज़ करना, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक अप्रोच लेके आना मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने में, प्लानिंग वगैरह की जहाँ पर कमी है उन कमी को, जो लैक ऑफ प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना, ठीक है, ट्रेन पर्सनल्स मतलब पर्सनस को ट्रेनिंग प्रोवाइड देना ताकि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। तो इट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स, रूल ऑफ थंब बाय साइंस, ठीक है। ये क्या इंसिस्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, क्या इंसिस्ट होता है, मैनेजमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। इसका क्या मीनिंग है, दैट मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द विशेज ऑफ द मैनेजर, ठीक है। साइंस द नॉट रूल ऑफ थंब, दैट मीन्स कि अगर किसी एक बंदे ने डन कर दी कोई चीज़ तो वो चीज़ डन हो जाएगी, नॉट, नो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन है या फिर कोई भी चीज़ है तो वो मैनेजर की विश की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस को रखना चाहिए, ठीक है। हर लेवल के मैनेजर से सजेशंस लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मैनेजर ने डन कर दी और मैनेजर की ये इच्छा है कराने की तो वो उसे वही कराएगा, ऐसा नहीं है। नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसलिए इसको नॉट अ रूल ऑफ थंब बोला गया, ठीक है। बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज़, लेकिन जो डिसीजनस हैं वो मैनेजर के विश से नहीं होते बल्कि वो साइंटिफिक स्टडी के बेस्ड पर होते हैं, जो कि कंडक्ट बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, जो किसके थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मैनेजमेंट में ईच और एवरी एलिमेंट में यूज़ की जाती है। इनको यूज़ करने के लिए साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ट्रेंड पीपल्स का यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आउटपुट को इंक्रीज कर सके। दूसरी चीज़ इसमें इंसिस्ट किया गया कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, मीन्स जो रूल ऑफ थंब है उसको रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बदले में क्या जो डिसीजंस है वो साइंटिफिक स्टडी के बेस्ड, साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होके लेने चाहिए डिसीजंस, ठीक है, और साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके, ना कि मैनेजर की विश से, ठीक है। तो ये तो हमारा मीनिंग था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं कि डेफिनेशंस पढ़ते हैं अलग अलग। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू नॉट इन द बेस्ट और चीपेस्ट वे। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली ये जानना कि आप किसी बंदे से क्या चाहते हो और फिर उसको सीइंग करना कि वो अपना वर्क चीप और बेस्ट वे में कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट कि आप अपने मैनेजमेंट में साइंटिफिक टूल्स को, टेक्निक्स को, की अप्रोच को यूज़ करके फिर उस पर ये देखना कि हमने जो चाहा है जिस बंदे से, मतलब अपने एम्प्लॉय से जो वर्किंग कराना चाहे वो उस प्रॉपर वे में वर्किंग को डन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चीप बेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, टेलर ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स अप्लाइड टू कंट्रोल द फोर्स एंड यूटिलाइज द मटेरियल ऑफ नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। वो कह रहे हैं ये एक ऐसी आर्ट और साइंस है जो कि प्रिपेयर करती है, ऑर्गेनाइज करती है
और डायरेक्टिंग करते ह्यूमन एफर्ट्स को, जो जो मतलब जो भी लेवर वगैरह यूज़ हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्किंग कर रहे हैं, तो वो उनको उनके एफर्ट्स प्रॉपरली डल पा रहे हैं या नहीं डल पा रहे हैं टारगेट को अचीव करने में, तो उन सभी चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर करती है, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराती है, रिसोर्सेज को उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उन सभी को कंट्रोल करने के लिए सभी फोर्स को अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक फोर्सेज होते हैं उन सभी को अप्लाइड किया जाता है, और यूटिलाइज द मटेरियल ऑफ मैन फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, ठीक है, यूटिलाइज द मटेरियल ऑफ नेचर सॉरी, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू से हम जो नेचर के जो मटेरियल है उनको प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उससे बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये किसने डेफिनेशन दी थी? एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर यूएसए, ठीक है। और हमारी लास्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क, द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू द सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। वो बोल रहे हैं कि ये स्टडी है वहाँ से ऑपरेशनल लेवल से, मतलब जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से जो वर्किंग की जाती है उसकी स्टडी है, ठीक है, जहाँ से मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो और अपने फर्स्ट लेवल से उस प्रोडक्शन को तैयार करने में जो भी वर्किंग कर रहे हो उन सभी वर्किंग को चेकआउट करता है, उन सभी ऑपरेशनल वर्किंग की स्टडी करता है, ठीक है, एनालाइज करता है कि क्या सिंपलेस्ट एलिमेंट में वर्क कर सकते हैं, कितना सिंपलेस्ट वे में, कितने स्मूथ वे में वर्किंग डन हो सकता है, और किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आए वर्कर्स के अंदर, और वर्कर्स की परफॉर्मेंस को ईच एलिमेंट में कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सभी चीज़ें किसके थ्रू दिन साइंटिफिक मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। सो दैट इज इट इज़ गिवन बाय द पीटर एफ डर्कर, ठीक है। सो ये हमारी डेफिनेशंस थी और हमने यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग रीड आउट करी, और हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ डब्ल्यू टेलर की हिस्ट्री और बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम इनके प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू लर्नर्स।